नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो? तो दोस्तों, बिहार में जो वैकेंसी निकली थी आईटी असिस्टेंट कम अकाउंटेंट की, तो उसमें अभी क्या अपडेट है इसके बारे में आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आ रही है क्योंकि काफ़ी वर्क था मुझे, इसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। इससे पहले दोस्तों मैंने तीन चार वीडियो इस पर बना रखे हैं जिसमें लगातार अपडेट दिया है, तो आज आपको फिर से एक अपडेट देने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे जो फॉर्म जिन्होंने भरा है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इसका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि अभी तक इसका कोई अपडेट नहीं है। लेकिन दोस्तों, कुछ अपडेट आई है, तो वो क्या अपडेट है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा और भी अन्य तरह जॉब से संबंधित अपडेट जानने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी की ये जो है वो वेबसाइट है, और यहाँ पर फिलहाल जो देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन ये ट्रेनर के लिए फ्लैश हो रहा है यहाँ पर न्यूज़, बाकी उससे संबंधित कोई जो है जानकारी नहीं मिल पा रही। लेकिन दोस्तों, हम पिछले वीडियो में आपको एक टेंडर के बारे में बताया था, टेंडर होने वाली थी पेरोल मैनेजमेंट की। यानी दोस्तों, पेरोल मैनेजमेंट होता क्या है कि जितने भी नियुक्ति की जाएंगे कैंडिडेट्स, जो भी कैंडिडेट्स अपॉइंटमेंट होंगे एग्जाम के बाद, फाइनल सिलेक्शन लेने के बाद, तो उनकी सारी चीज़ें, एक डेटा जो है सैलरी से लेकर के हर चीज़ की डेटा पेरोल मैनेजमेंट का ही काम होता है, तो वही सारा चीज़ बनता है, बायोमेट्रिक वगैरह सारा चीज़ उसी से अटैच होता है क्योंकि वही एक मेन एजेंसी होती है जो उसको पूरे जो टीम होती है, यूनिट होती है, उसको कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर जो पेरोल मैनेजमेंट की जब तक सिलेक्शन नहीं होती है तब तक अगर एग्ज़ाम हो भी जाता है तो उसका सैलरी डिसबर्सल से लेकर जो लीव वगैरह है, हर तरह के जो डेटा है एम्प्लाई से संबंधित, वो मैनेज नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इस एजेंसी का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले जो एजेंसी आई थी दोस्तों, वो तो हटा दिया गया, मतलब टेंडर जो निकाला गया था इस बार भी, जो वो भी टेंडर कैंसिल हो गया दोस्तों। तो फिलहाल अभी इसके बारे में और क्या अपडेट है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं कि ये टेंडर वाले सेक्शन पे कि क्या अपडेट आया है यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बीजी एस बाई एस एडमिन एचआर अकाउंट्स कम आईटी असिस्टेंट, ठीक है, ये टेंडर जो है वो कैंसिल हो गया। पहले वाला जो टेंडर जो मैंने पिछले वीडियो में अपडेट दिया था, क्या लिखा है, तो कैंसिलेशन ऑफ आरएफपी फॉर हायरिंग ऑफ आउटसोर्स मैन पावर एजेंसी इंटेंडेंट फॉर पेरोल मैनेजमेंट पीआरडी जीओबी। यानी दोस्तों, ये जो पहले इसके लिए एजेंसी चुनी जानी थी उसका जो संबंधित टेंडर था वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो अभी जो कैंसिलेशन में क्या बातें कही गई हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी की ये जो टेंडर थी उसमें आप देखिए कि लेटेस्ट अपडेट है 18/11/2024 को ये लेटर पब्लिश हुआ था, और इसमें लिखा है कि नोटिस फॉर कैंसिलेशन ऑफ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल पब्लिश फॉर हायरिंग ऑफ आउटसोर्स मैन पावर एजेंसी इंटेंडेड फॉर पेरोल मैनेजमेंट ऑफ आउटसोर्स अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसकी भी होनी थी पंचायत के ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में, अक्रॉस द बिहार स्टेट। यानी ये दोनों की होनी थी, पहले तो अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट तो होनी ही थी और उसके साथ ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की भी होनी थी। तो ये इसकी जो एक पेरोल मैनेजमेंट एजेंसी सेलेक्ट की जानी थी वो तो नहीं हुई और टेंडर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर लिखा है कि जो भी आउटसोर्स मैन पावर एजेंसी चुनी जानी थी वो कैंसिल कर दी गई। और यहाँ पर देखिए ये डेट दिया है, डेट ऑफ इशू ऑफ टेंडर 15 मार्च 2024 को हुआ था, ठीक है, और अब ये कैंसिल हो गया है। तो अब इसके बाद देख सकते हैं कि नोटिस फॉर कैंसिलेशन क्या हुआ वो जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन आरएफपी थ्रू ई प्रोक्योरमेंट फॉर हायरिंग ऑफ आउटसोर्स मैन पावर एजेंसी इंटेंडेड फॉर पेरोल मैनेजमेंट ऑफ आउटसोर्स अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ऑब्लिक डाटा एंट्री ऑपरेटर इन ऑल पंचायत ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द बिहार स्टेट स्टैंड कैंसिल, और नोटिस फॉर कैंसिलेशन ये देखने के लिए ये साइट का नाम दिया गया है। तो ये तो मतलब कैंसिलेशन की बात हुई, कैंसिलेशन में ये नहीं बताया गया कि क्या कारण रहा। तो आपने देखा कि टेंडर को कैंसिल कर दिया गया है, तो फिलहाल इसकी अपडेट यही है, आगे इसकी कोई अपडेट उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों देखिए, एग्जाम कब होता है ये तो सोचने वाली बात है, क्योंकि ये सब कार्य नहीं होंगे तो एग्ज़ाम होने से भी क्या फ़ायदा, क्योंकि उसकी मैनेजमेंट ही नहीं हो पाएगी। तो फिलहाल दोस्तों, और भी कुछ अपडेट आती है इसके बारे में तो आपको हम ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट्स के साथ, और दोस्तों अगले अपडेट
असिस्टेंट लोको पायलट से संबंधित होगी, क्योंकि अभी उसकी एग्जाम शुरू होने वाली है, तो जो भी उससे संबंधित जानकारी रहेगी दोस्तों, एग्जाम कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सभी जो है हम आपको बताने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।